जब भी झटपट डोसा बनाने की बात आती है तो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है सूजी का, ऊपर से जिसको हम रवा डोसा भी बोलते हैं। इसके लिए मैं भी आज यही बनाने जा रही हूँ। 10 मिनट लगते हैं इसको सिर्फ बनाने में और बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी डोसा बनता है इसका। तो इसके लिए मैं लूँगी, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 2 कटोरी, मेरा ये मेज़रमेंट है, आप भी कोई 1 कटोरी बना लीजिएगा और उसी से नाप, एक मेज़रमेंट होना चाहिए एक नाप का। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी रवा लिया है जिसको मैं एक बाउल में लौट लूँगी। और मैंने 2 कटोरी रवा कटोरा था और 2 चम्मच ही मैंने इसमें बेसन मिलाऊँगी। बेसन मिलाने से क्या होगा, इसका कलर अच्छा आएगा। और मैं यहाँ 1 कटोरी मिला रही हूँ दही, सिंपल सा दही है, हमारे रूम टेम्परेचर पे घर का अपना दही है। और मैं इसको मिलाऊंगी, इसमें थोड़ा सा मैं मिलाऊंगी नमक भी और इसको 10 मिनट के लिए मैं रख दूंगी। 1 कटोरी पानी लिया है मैंने, 10 मिनट में ये बिल्कुल फूल के डबल हो जाती है, रवा तो बहुत जल्दी पानी सक कर लेता है और खूब अच्छा सा तैयार हो जाएगा इसका पेस्ट, मैं आपको दिखाऊंगी 10 मिनट के बाद। हमने सूजी और बेसन और दही को मिला के हमने ये बैटर तैयार कर लिया है और अब हम इसको 10 मिनट रख देंगे। इतना ये बैटर हमारा बनाने के लिए, हमारा ये देखिए 1 कटोरी से भी कम पानी खर्च हुआ है और अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढाँक कर रख देंगे। जब तक हम अपना बैटर 10 मिनट भिगोने के लिए रखते हैं फूलने के लिए, तब तक हम जो है चटनी, अपनी चटनी बस तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमने लिया है नारियल, थोड़ा सा नारियल था आधा के करीब वो मैंने लिया है और इसमें डालूंगी मैं 2 हरी मिर्च मैंने काट ली है और डालूंगी मैं 1 चम्मच पीसी हुई मेरे पास मूंगफली का पाउडर है और डालूंगी उड़द की दाल 1 चम्मच, थोड़े से अदरक के टुकड़े और 2 मैंने छोटे से लहसुन की कली डाली है और अब मैं इसको नमक डाल के 1/2 चम्मच मैंने नमक डाला है, अब मैं इसको पीस लूँगी। हमारी चटनी पीस गई है और अब हम इसमें निकाल लेते हैं, इसका छौंका बनाएंगे चटनी का। तो हम डाल देते हैं थोड़ी सी राय, करी पत्ते, और अब हम डालेंगे करी पत्ते। ये हमारा राई का छौंका भी तैयार हो गया। इसी बर्तन में हम आलू छौंक लेंगे। हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है और अब तेल को गरम होने देते हैं। और 1/2 चम्मच लाल पीसी में और हम नमक को भी अभी डाल देंगे जिससे कि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब इसको हम चला लेंगे। फिर हम ये आलू का बैटर डाल देंगे। देखिए कितनी जल्दी झटपट हमारे डोसे के साथ आलू और चटनी, ये सब चीज़ें घर में रखी हुई होती हैं हमेशा, सभी की तैयारी रहती है, सूजी भी हमेशा रहती है, आलू सबके घर में हमेशा होते ही हैं। और अब इसको थोड़ी देर भून के हम उतार लें, इसको बिल्कुल बारीक कर लेते, तभी तो होटल वाले देखते हैं आप, जैसे कि जब भी बच्चे या हम लोग खाने आते हैं बाहर कभी भी
आजकल तो नहीं हो पा रहा है ये, तो होटल वाले बिल्कुल पीस देते हैं आलुओं को, तो किसी को पसंद भी आते हैं किसी को नहीं भी पसंद आते हैं। मैं भी थोड़ा इन्हें बिल्कुल छोटा ही करूँगी। और हमारा ये आलू का भरता भी तैयार हो गया है, और अब फटाफट डोसे बनाते हैं। देखते हैं हमारा बैटर, बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से सूजी फूल गई है, डबल हो गई है, और हम इसमें थोड़ा पानी मिला के बैटर को तैयार कर लेंगे। हमारे डोसा बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए 10 मिनट बाद ये है। हमने थोड़ा सा पानी जो बचा था वो हमने आधा कटोरी और मिलाया है इसमें, और देखिए हमारी ये कंसिस्टेंसी है बैटर की, देखिए बिल्कुल परफेक्ट लग रही है मुझे। और हम डोसा बनाना शुरू करते हैं। तो हमने लिया है तवा डोसे का, और अब हम इसको, पहले हमें पता है इसको तैयार करना पड़ता है हमेशा पानी से, तभी डोसे अच्छे आते हैं। मुझे लगता है कि ये अब रेडी हो गया है, तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। डोसा सेकते समय हमारी फ्लेम जब हम स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल लो कर रखेंगे, और जब हम बैटर एक बार डाल देंगे इस पर और अच्छे से फैला देंगे तो हमारी फ्लेम मीडियम टू लो रहेगी। और ये देखिए बीच से फैलाना शुरू करेंगे हमेशा, तो डोसा जो है अपने आप अच्छा सा बनता चला जाता है। और अब हम इसकी डो को बढ़ा देंगे। डोसा हमारा सिकना देखिए स्टार्ट हो गया है, देखिए ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है, और हमारी फ्लेम मीडियम टू लो ही रहेगी। इसी फ्लेम पर हमें ये अपने डोसे को तैयार करना है। बहुत क्रिस्पी डोसा बनता है, रवा डोसा बहुत क्रिस्पी होता है। और हमने चावल नहीं डाला है इसमें, लेकिन चावल का आटा मेरे पास अवेलेबल नहीं था इस समय, तो मैंने इसमें बेसन का डाला है 2 चम्मच। 2 कटोरी रवा डोसा है और 2 चम्मच ही बेसन है। और देखिए आप, ये सारा मेरा सिकना शुरू हो गया है, और जब ये नीचे से बिल्कुल पक जाएगा तो ये अपने आप किनारे इसके छूट जाएंगे। ये देखिए हमारे डोसे को ये तवे के किनारे ने छोड़ दिया है, और अब ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए कितना क्रिस्पी और कितना बढ़िया आया है ये, देखिए आप, ये देखिए ये हमारा पहला डोसा बनके तैयार है। और अब हम दूसरा डोसा बनाएंगे। अब दूसरे डोसे को बनाने के लिए भी हमें पहले तवे को थोड़ा सा पानी से क्लियर करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। ये पानी डाल के तवे को ठीक कर लिया है, थोड़ा बैलेंस फ्लेम पे ले आए हैं, और आज हमारी इस समय फ्लेम हमारी मीडियम ही रहेगी। और अब हम दूसरा डोसा भी इसी तरीके से सेक लेंगे, और बीच से हमेशा बीच से डोसे को फैलाना शुरू करेंगे। अभी दूसरा डोसा भी हमारा सिककर तैयार हो जाएगा। झटपट बनने वाला ये रवा डोसा है, 10 मिनट नहीं लगते इसको बनाने में, बस इसको फुलाने की थोड़ी सी, इसको बैटर जो है वो फूल जाए, उस फॉर्म में आ जाए कि हमारा डोसा बन सकता है, तो झटपट रवा डोसा तैयार हो जाता है बिना भिगोए दाल और चावल को। उसके लिए तो पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तय सोचना पड़ता है कि आज हम डोसा बनाएंगे, लेकिन रवा डोसों में ऐसे कोई बात नहीं है, और हम अच्छे से 10 मिनट में जल्दी जल्दी बना सकते हैं इसको। ये हमारा दूसरा रवा डोसा भी बनकर तैयार है, देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा आया है, और बिल्कुल क्रिस्पी है, देखिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, देखिए इसका, ये देखिए इतना बढ़िया सिका है।
और बिना ही तेल के, दो ड्रॉप तेल की होंगी जो हमने तवा साफ़ करते समय जब सेकंड डोसा डाला था तब डाली थी। और देखिए कितना बढ़िया डोसा आया है। और अब हम इसको भी निकाल लेंगे। तो तैयार है हमारा रवा डोसा, 10 मिनट में बनने वाला क्रिस्पी मज़ेदार बढ़िया सा। जल्दी जब भी हम इसको, मैं परसती हूँ इसको, तो जो आलू का बैटर है उसमें मेरा कच्चा प्याज जो है बहुत पसंद किया जाता है। और मैं ऊपर से इसको थोड़ा सा रॉ फॉर्म में, छोंकते वक्त भी मैंने डाला था लेकिन रॉ फॉर्म में भी इसको डालेंगी। एकदम खुशबू बढ़िया सी आती है इसकी और आप देख सकते हैं। तैयार है हमारा रवा डोसा, नारियल की चटनी और आलू के भरते के साथ, 10 मिनट में बिना ऑयल के। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी बना है ये। ये देखिए आप, कितना मज़ा आ जाएगा देखिए आप। ठीक है,